हेलो एवरीवन अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू एम आई ऑडिबल एंड विजिबल गुड इवनिंग एवरीवन कैसे हैं आप सभी आई होप आप सभी को मेरी आवाज़ आ रही है और मैं सुनाई दे रही हूँ हाँ जी आवाज़ भी आ रही है दिखाई भी दे रही हूँ सब सही है एक बार ही फटाफट से बता दो इन द कमेंट सेक्शन अ वेरी 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 गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू चलिए भाई तो जैसे कि मैंने आप बच्चों को कल ही बोला था कि आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो कम्प्लीटली ग्रामर की होने वाली है और आज की क्लास हमारी बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट है राइट right? वैसे तो मैं तुम्हें ऑलरेडी ग्रामर करा चुकी हूं बट क्योंकि इस ताबरतोड़ बैच में हम लोग सारी चीजें दोबारा से रिवाइज कर रहे हैं तो इसीलिए बच्चों अब बारी है डिटर्मिन की और उसी के अंदर एक टॉपिक आता है आर्टिकल्स उसकी तो यूपी बोर्ड में आर्टिकल्स आ रहे हैं सीबीएसई में डिटर्मिनर्स आ रहे हैं राइट right, तो एक बार हम लोग सारी चीजें आज पढ़ने वाले बहुत छोटी छोटी सी चीजें होती हैं जो हम लोग पेपर में भूल जाते हैं बट वो अब नहीं होगा तो आज की क्लास में हम बहुत फन करने वाले हैं बहुत अच्छे से हम ग्रामर को सीखने वाले देखो जब तक हमें ग्रामर आती नहीं है ना तब तक वो हमें बड़ी बकवास लगती है बट जैसे ही हमें थोड़ी भी आने लगती है ना तो हमें उसमें इंटरेस्ट आने लगता है ठीक है तो आज मैंने तुम्हें टेंसेस भी कराया था मैंने तुम्हें सब्जेक्ट वर्क भी कराया मैंने तुम्हें नरेशन भी कराया दोबारा से हा ना तो आज हम ये वाला टॉपिक करने वाले हैं और यह बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक तो एक बार जल्दी जल्दी ताकि वो लोग भी आ जाएं और फिर हम शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास गुड इवनिंग एवरीवान एक बार फटाफट से सारे बच्चे बता दो भाई आज की एनर्जी कैसी है हाँ भाई एनर्जी में एनर्जी है कि नहीं कुछ खाया पिया है कि नहीं गुड इवनिंग गुड इवनिंग हाँ भाई खाना वाना खा लिया एनर्जी पूरी है तो थोड़ा सा स्पैम कर दो और क्लास को लाइक और शेयर कर दो जल्दी जल्दी कम ऑन कम ऑन फटाफट से आज हम लोग वन शॉट भी करने वाले हैं हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी देखने वाले हैं मैं तुम लोगों को कुछ क्वेश्चन होमवर्क के लिए भी देने वाली हूँ ठीक है so सो फटाफट फड़ से आ जाओ मैम लव यू हाउ स्वीट लव यू टू चलो भाई मुझे लाइक्स बिल्कुल भी नहीं दिख रहे हैं तो जिन बच्चों ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है फटाफट से यार लाइक कर दो ठीक है और जिन्होंने शेयर नहीं किया है वो कर दो एक दो मिनट हम वेट करते हैं ताकि हमारे सारे बच्चे जुड़ जाए अच्छा देखो अगर आप जेन्युनली ये टॉपिक सीखना चाहते हो ठीक है तो एक कॉपी और एक पेन अपने साथ में लेके बैठ जाओ फॉर योर शॉर्ट नोट्स आपको पूरा नहीं टेपना क्योंकि ऑब्वियसली मैं आपको ये स्लाइड्स टेलीग्राम पर दूंगी टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है है ना तो ये आपको वहां पर मिल जाएगा मैंने ऑलरेडी दे भी रखा है वहां पर डला हुआ है बट आप आप फिर भी भी अपने साथ एक कॉपी कॉपी और और पेन पेन लेकर लेकर बैठो ताकि आपको समझ में आए जब भी आप और पेन बैठते हो ना तब आपको क्लास में एक तो ज्यादा मन लगता है दूसरा आपको समझ में बहुत अच्छे से आएगा ठीक है सो हाउ इज दूस एवरी वन आज कितने बच्चे ऐसे दृढ़ निश्चय करके बैठे हैं कि भाई एक घंटे में हम ये टॉपिक आज पूरा सीख लेंगे ठीक है केवल एक घंटा और ये टॉपिक हम पूरा क्लियर कर देंगे ठीक और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है बड़ी बड़ी जो बच्चे होते हैं ना तुमसे भी बड़े बच्चे होते हैं उन तक को ये टॉपिक क्लियर नहीं होता बट आज आज अगर तुम लोग क्लास में आए हो तो तुम लोग ये टॉपिक अच्छे से करके जाना ठीक है तो एक बार मेरे सारे बच्चे यार क्लास को लाइक और शेयर कर दो जल्दी जल्दी इन नेक्स्ट वन मिनट वी आर स्टार्टिंग आर क्लास जिस भी बच्चे ने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं करा है मेरी जान प्लीज आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो ठीक है टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो डिस्क्रिप्शन में पहले ही नंबर पर टेलीग्राम का लिंक है और कल मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर आ रही चैनल पे कि कैसे आएगा इंग्लिश का बोर्ड का पेपर ठीक है किस टाइप से आएगा डिफिकल्ट होगा आसान होगा क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं ये वीडियो आपको कल मिल जाएगी चैनल पे ठीक है

ऑल्सो यार 200 से ऊपर बच्चे हैं बट लाइक्स अभी तक डेढ़ भी नहीं है दैट्स नॉट फेयर तो फटाफट पड़ से क्लास को लाइक भी कर दो चलो आई एम वेटिंग फॉर योर कॉमेंट्स और फिर हम शुरू कर रहे हैं जल्दी जल्दी ठीक है रंजीत काशिफ जैनी अब कमेंट्स ज्यादा आ रहे तो नाम लेना मुश्किल है बट ठीक है तो सारे बच्चे मतलब आज पढ़ने आए हैं राइट ओके 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 वेरी नाइस वेरी नाइस यही 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 जोश चाहिए अपने को वेरी गुड शाबाश चलो तो अब जब भाई दृढ़ निश्चय कर लिया बच्चों ने कि आज हम पढ़ने आए हैं तो बिना लेट किए हम क्लास को बेटा शुरू करते हैं देखो यार ना बहुत आसान टॉपिक है ठीक है बट आपको बस समझने की देरी है अब डिटर्मिन होता क्या है देखो यार हम लोग ना वहां से शुरू करते हैं ठीक है तुम लोग ऐसे समझ लो तुम ये मत समझो कि अरे हम तो ऑनलाइन क्लास में बैठे हैं ये क्या चल रहा है तो मैं ऐसे समझो कि बिल्कुल कोई तुम्हें जैसे तुम्हारे घर पे पढ़ा रहा है उस फोकस के साथ क्लास को देखो देखो जो नाउन होता है ना ठीक है जो भी नाउन फ्रेज होता है यानी कि जो भी आपकी संज्ञा वाला जो वाक्य शुरू होता है उससे पहले उससे पहले आपका डिटर्मिनर यूज होता है अब जरूरी नहीं है कि ये हमेशा की शुरुआत में ही आएगा कभी कभी आपको पता है है, है? ना कि 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 के बीच में होते होते हैं, जो obviously होते हैं। हैं। जो जो तो वो जो noun phrase होता है, उससे पहले पहले लगते हैं। कहने का क्या मतलब है? कि determiner हमेशा noun से पहले यूज होगा संज्ञा से पहले एक होता होता है। determiner होता क्या है? मैम, क्या देखो आप word से ही देखो, किसी का करना, कि कौन सी चीज कितनी है? कौन सी लोग हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं कौन सी चीजें हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं तो उनके लिए हम लोग डिटर्मिनर लगाते हैं फॉर एग्जाम्पल ए हो गया एन हो गया द हो गया जो हमारे आर्टिकल्स है वो भी आर्टिकलिनर का ही पार्ट है सम हो गया मैनी हो गया मच हो गया लिटिल हो गया फ्यू हो गया दिस हो गया दैट हो गया तो ये सब क्या है ये सब हमारे डिटर्मिनर है जिससे हमको पता चलता है कि भाई बात किसकी हो रही है किसकी तरफ इंडिकेशन जा रहा है कौन सी चीजों की कौन से इंसानों की हम लोग बात कर रहे हैं ठीक है बेटा क्लियर अब यहाँ पर ना एक बात याद रखना कि डिटर्मिनर हमेशा आपका नाउन से पहले यूज होगा क्योंकि नाउन के बिना ना ये कुछ है ही नहीं ठीक है नाउन के बिना भैया ये कुछ है ही नहीं नाउन इसको चाहिए ही चाहिए नाउन से इसको मोहब्बत है नाउन से इसको प्यार है तो हमेशा याद रखना कि डिटर्मिनर की गर्लफ्रेंड कौन है नाउन ठीक है अगर नाउन नहीं होगा नहीं होगी सॉरी तो डिटर्मिनर का मन नहीं लगेगा और डिटर्मिनर अकेले कभी भी नहीं आएगा क्लियर ओके ऑल राइट अब देखो बेटा तो ना बहुत सारे टाइप के होते हैं हम आज सारे पढ़ेंगे और बिना कंफ्यूज हुए पढ़ेंगे ठीक तो देखो आर्टिकल्स जो है वो डिटर्मिनर के अंदर ही आते हैं अब डेफिनेट आर्टिकल द हो गया ए हो गया एन हो गया है ना डेमोन्स्ट्रेटिव मतलब दिस दैट दीज दोनर हो गए प्रोनाउन एंड हो गए माय योर हिज अभी क्या होता है ना हम सब सीखेंगे एक एक करके अभी मैं सिर्फ आपको ऊपर ऊपर से बता रही हूं कि कितने होते हैं ये होते क्या हैं एक्चुअल में अभी हम इसके अंदर घुसेंगे तो हम देखेंगे ठीक है क्वांटिफायर्स जो क्वांटिटी बताते हैं कोई चीज कितनी है लिटिल है थोड़ी है फ्यू है मच है मेनी है लॉट है इनफ है नंबर्स हो गए वन टेन थर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव हो गए यानी कि ईदर नीदर हाफ ऑल है ना अनादर अदर और प्री हो गए सच रेदर क्वाइट तो ये सारे ये सारे आपके डिटर्मिन के अंदर आते हैं और ये सारे के सारे आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ ठीक है एक्साइटेड अच्छा मुझे आप लोगों से एक चीज चाहिए क्या चाहिए मुझे आप लोगों से कि आप लोग मुझे कमेंट करते रहे क्योंकि जैसे ही मैं कमेंट का फ्लो देखती हूँ ना वैसी एनर्जी आ जाती है कि नहीं बच्चे पढ़ रहे हैं अगर मुझे लगेगा कि बच्चे अपने में बात कर रहे हैं पढ़ नहीं रहे तो फिर मजा नहीं आएगा ठीक है चलो अब हम लोग शुरू करते हैं आर्टिकल से ठीक है कि आर्टिकल क्या होता है और मुझे लगता है कि चाहे ना डिटर्मिनर एक कैसा टॉपिक है बच्चों चाहे ये आपके पेपर में हो ना हो आपको आना चाहिए क्यों आना चाहिए क्योंकि ये ना हम रोजमर्रा की जिंदगी में भी यूज करते हैं ये जो तुम स्पोकन इंग्लिश स्पोकन इंग्लिश के चक्कर में पड़े रहते हो ना कि इंग्लिश कैसे बोले राइट right? तो उसमें भी ये बहुत ज्यादा काम आते हैं अगर हमें पता होगा कि हमें इसे कहाँ लगाना है तो ये बहुत ही ज्यादा बेसिक ग्रामर है समझ रहे हो बेसिक लेवल पे हमें ये चीजें आनी चाहिए ओके इसका कोई इतना बड़ा कोई रूल नहीं है इसका इसके कोई रूल्स नहीं है ये सिर्फ हमें समझना है कि कहाँ लगते हैं

उनके आगे हम लोग क्या लगाते हैं और एन लगाते हैं अब ये यार हमने बचपन में भी बहुत कब लगाते हैं, के साथ लगाते हैं। और पिछले साल भी मैंने देखा दसवीं के बच्चों ने गलती करी है वो क्या गलती करी है उन्हें लगता है कि जो वर्वल है ना वो ए बट कोई भी वर्ड अगर इनसे शुरू होगा तो उसके आगे एन आएगा आप लोग मुझे कमेंट में बताओ कि आपको भी यही लगता है कि आपको भी यही लगता है कि भाई ए ई आई ओ यू जहां दिखेगा वहीं एन लगा देंगे हाँ फिर से मुझे वो वेलकम मूवी की याद आ गई वो लकड़िया लेके भागता है ना जहां दिखेगा वहीं जला देंगे <laughs> राइट तो जहां दिखेगा वहीं हम एन लगा देंगे बताओ ऐसा लगता है आपको कि ए ई आई ओ यू जो हमारे वावल साउंड्स हैं हमें एक जहां पर भी अपना एन दिखेगा हम वहां लगा देंगे मतलब जहां भी वोवल साउंड दिखेगा एन लगा देंगे नहीं राइट ऐसा हमें नहीं करना ठीक है मान लो मैंने यहाँ पर लिखा यूनिवर्सिटी मैंने क्या लिख दिया यूनिवर्सिटी ठीक है अब यहाँ पर यार साउंड तो या का आ रहा है ना ये भी तो देखो साउंड किसका आ रहा है साउंड या का है और हमें क्या है हमें वोवल साउंड्स को देखना पड़ता है आ ई है ना उसके बाद उ उ छोटा उ बड़ा उ आ, ये वाले सारे जितने भी साउंड होते हैं इनके आगे हम एन लगाते हैं यूनिवर्सिटी में या का साउंड है तो इसके आगे एन नहीं आएगा भले ही ये यू से क्यों ना शुरू हो रहा नहीं लगाएंगे हम एन इसके आगे ए ही आएगा ठीक है ऐसे अगर मैं तुम्हें एक और वर्ड बोलू मान लो मैंने तुम्हें बोल दिया ऑनेस्टी ठीक है मैं यहाँ पर लिख देती हूँ मान लो मैंने बोल दिया ऑनेस्टी अब मैम ये तो एच से शुरू हो रहा है बहुत बच्चे ए लिखाते हैं पर्सन नहीं आप बोलोगे तो एच तो साइलेंट है ना साउंड तो आपको ओ का आ रहा है और ओ हमारा वोवेल साउंड है तो हम क्या लगाते हैं एन ऑनेस्ट समझ रहे हो तो हमें ना बेटा साउंड पे जाना है हमें किस पे जाना है साउंड पे कि उसमें से साउंड क्या हो आ रहा है क्लियर तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है जैसे यहां पर है एप्पल तो हमने क्या लगाया एन क्योंकि ए का साउंड है एप्पल राइट एसी सिंगर तो क्या लगाया ए एक्सीडेंट क्या लगाया एन तो ये आर्टिकल हमारे दो ही होते हैं एक ए होता है एक एन होता है आपको याद रखना है जो ए होता है बेटा वो हम लोग कॉन्सोनेंट साउंड के साथ लगाते हैं और जो हमारा एन होता है ना वो हम लोग वाउंड के साथ लगाते हैं ये आपको ध्यान में रखना है ठीक है बेटा क्लियर समझ में आया अभी यहाँ पर ना डेफिनेट आर्टिकल इंग्लिश ग्रामर में एक ही होता है जिसे बोलते हैं द डेफिनेट मतलब भाई स्पेसिफिक हमें पता है कि हम लोग किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं बट तुम्हें पता है बच्चों को सबसे ज्यादा दिक्कत कहाँ आती है कि मैम हमें द कहाँ लगाना है और कहा हमें नहीं लगाना है समझ लो तो आज हर कोई तुम्हें पता क्या बताता है कि तुम्हें द कहां पर लगाना है आज मैं तुम्हें ना ये भी बताऊंगी कि कहां पर तुम्हें नहीं लगाना है

वो लड़की मतलब मैंने शायद तुमसे उसकी बात पहले भी कभी कर रखी है तुम्हें बता रखा है कि वो लड़की कौन है राइट right? मान लो मैं आज तुम्हें आकर बता रही हूं एक लड़की आ रही थी आज बड़ी बड़ी वियर्ड सी थी ऐसे ही झूठ मूठ का बता दिया मैंने अब कल मैंने आके बोला अरे तुम्हें पता है वो लड़की गिर गई अब तुम्हें पता है कि मैम कौन सी लड़की की बात कर रही है यानी कि मैंने स्पीकर ने वो चीज तुम्हें पहले से ही मैंशन कर रखी है राइट तो जब मैंने तुम्हें एक चीज ऑलरेडी बता रखी है दूसरी बार मैं तुम्हारा जिक्र कर रही हूं तब मैं द लगा सकती हूं क्योंकि वो क्या हो गया तब वो स्पेसिफिक हो गया कि हाँ भाई मैं किसकी बात कर रही हूं तो जब भी हम लोग स्पेसिफिकली पर्टिकुलरली बेटा किसी की बात करते हैं तब हम लोग द लगाते हैं समझ में आया द आपका सिंगुलर के साथ भी लग सकता है द आपका प्लूरल के साथ भी लग सकता है कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है अब जैसे मैं अगर एग्जाम्पल बोलू और मैं बोलू द डॉग बाग एट द गर्ल कुत्ते ने लड़की पे भौका अब इसके आगे अगर द लगाए ना मतलब मतलब मैं एक स्पेसिफिक डॉग की बात कर रही हूं मान लो मैंने आकर बताया कि मेरे पड़ोस वालों ने बहुत बड़ा कुत्ता लिया ठीक है और फिर मैंने तुम्हें दोबारा बोला कि अरे यार कुत्ता फिर भौक रहा तुम्हें पता है वो कौन से डॉग की बात हो रही है राइट right, वो स्पेसिफिक डॉग की डॉग्स दुनिया में बहुत है अगर मैं इन जनरल डॉग्स की बात करूं तो डॉग्स तो बहुत है पता ही नहीं चलेगा किसकी बात हो रही है बट अगर मैं स्पेसिफिकली द लगा रही हूं उसका मतलब कि कि हमें पता है कि वो कौन सा डॉग है ठीक है बेटा समझ में आया ऐसे ही मैंने बोला आई एम द मैनेजर कंपनी का एक ही मैनेजर हूं मैं हूं तो द मैनेजर मतलब क्योंकि स्पेसिफिकली वो एक पोस्ट है कि भाई मैनेजर है ये ये हैंडल करता है सारी चीजें ठीक है ही इज द टॉलेस्ट बॉय अब टॉलेस्ट क्या है सुपरलिटिव डिग्री जब हम अभी आगे देखेंगे द कहां कहां पर लगाना है तब हमें ज्यादा समझ आएगा ठीक है तो जब भी हम द लगा देते हैं ना हमेशा याद रखना चाहे स्पोकन इंग्लिश हो चाहे तुम्हारा ग्रामर हो ठीक है ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो तुम हमेशा याद रखना बहुत छोटी छोटी चीजें हैं कोई इतने डिटेल में तुम्हें बताएगा भी नहीं हर कोई तुम्हें ये बताएगा द कहां लगाना है पर आज हम देखेंगे द हमें कहां पे नहीं भी लगाना ठीक है तो द एक स्पेसिफिक चीज को बताता है ये आप लोग समझो मैं आपको बताऊंगी कि भाई द आपको ना पर लगाना है सो नंबर वन आप लोग ये ना शॉर्ट शॉर्ट नोट्स अपनी कॉपी में लिखते भी रहना वैसे तो मैं ये सब आपको दे दूंगी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम पे आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लो पहले नंबर पे लिंक है मैंने आपको बताया बट बट आप लोग जब अपनी कॉपी साथ में रखकर छोटे छोटे नोट्स बना लोगे ना तब वो चीज आपको आपके दिमाग में ज्यादा अंदर तक जाएगी ठीक है आपको रिविजन करनी होगी तुरंत आप कर सकते हो ठीक है आपको किसी पे डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं है तो अभी यहां पर नंबर वन है जैसे कि मैंने बताया रूल नंबर वन है आप द उन चीजों के साथ लगाइए जिनकी बात पहले भी हो रखी है जिसके बारे में हमने बेटा पहले भी मेंशन कर रखा है उनके साथ बेटा हम लोग द लगाएंगे ठीक है जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ देखो यार के साथ साथ जिन बच्चों ने क्लास को लाइक नहीं किया है वो भी कर दो बिकॉज हमारी क्लास में ढाई सौ से ऊपर बच्चे हैं बट लाइक्स दो भी नहीं है ठीक तो कर है तो ऑन मंडे मंडे को एन अन आर्म्ड मैन अन मतलब उस पर हथियार वगैरह नहीं होंगे उसने क्या करा स्टोल चुरा लिए थाउजेंड डॉलर बैंक से ठीक है मैंने तुम्हें मैं तुम्हारे पास आई मैंने बोला बच्चों सुनो तुम्हें पता है मंडे को क्या हुआ मंडे को ना एक आदमी ने बैंक में घुस के रुपए मैंने, मैंने तुम्हें बात बताई अब जब मैंने तुम्हें, में तुम्हें मेंशन कर दिया कि एक आदमी वही एक आदमी वो चोर है क्यों लगा क्योंकि भाई उसके बारे में पहली बात हो चुकी है हमें पता है कि किसके कौन से वाले चोर के बारे में बात हो रही है वही चोर भाई जिसने मंडे को चोरी करी थी उसके बारे में ही बात कर रहे हैं समझ में आया इसीलिए यहाँ पे थीफ के आगे हमने द लगाया क्योंकि उसी चोर की बात हो रही है जिसने मंडे को चोरी करी थी क्लियर तो भाई ऐसी बात जो हम एक बार मेंशन कर चुके हैं हमें उसके बारे में दोबारा बात करनी है तो अपन क्या लगा देंगे अपन द लगा देंगे

तभी मैंने डिसाइड करा कि बेकरी के अंदर जाके कुछ ब्रेड ले आता हूं तो अब यहां पर खाली बेकरी बेकरी तो बहुत सारी है बेकरी तो बहुत सारी है भाई दुनिया में। बट बेकरी के आगे जब द लग गया तो द का क्या मतलब है कि ये इसी बेकरी की बात हो रही है जिसके बारे में हमें पहले वो बता चुका है कि बेनीज बेकरी पे मैं गया था ठीक है समझ में आया

टीम में एक पोजीशन खाली है और आपको उस जॉब में ट्रैवल करना पड़ेगा तो आपको बात समझ में आएगी यानी कि एक चीज जो मैंने मेंशन कर दी उसके उसके बाद मैंने उसके लिए लगाया ठीक है तो ये हमारा रूल नंबर वन है आई डोंट थिंक इसमें आपको कोई डाउट होना चाहिए एनी डाउट अच्छा मुझे ना हर रूल के बाद ना एकदम हाई एनर्जी में यस मैम चाहिए ठीक है बिकॉज वो चीज होनी चाहिए कि हाँ बच्चे मुझे सुन रहे हैं ठीक है तो एक बारी जैसे वो होता है ना सिंगर्स आते हैं गाना गाते हैं अपने कॉन्सर्ट में तो क्या होता है हर गाने के बाद ये ऐसे ऑडियंस एकदम उन्हें हाइप कर देती है राइट तो वैसे ही हर रूल के बाद अगर आपको समझ में आ रहा है सो आई नीड अ यस मैम स्पैम इन माय कमेंट सेक्शन ठीक है और मुझे ये बार बार बोलना नहीं है ये मुझे चाहिए ये कुछ ऐसी चीज होनी चाहिए हमारे बीच में हमारा बॉन्ड कि ये खुद ही हो जाए अपने आप ठीक है अब काफी टाइम हो गया मैं पढ़ते हुए तो ये एक ऐसा बॉन्ड होना चाहिए अंग्रेजी वाली मैडम के साथ की ये खुद ही हो जाए वेरी गुड चलो अब नेक्स्ट देखो रूल नंबर टू रूल नंबर टू बोल रहा है आप दा वहां लगाइए जहां पर आप किसी पर्टिकुलर पर्सन या पर्टिकुलर चीज की बात कर रहे हैं ठीक है कोई भी चीज जो पर्टिकुलर है कोई भी चीज जो स्पेसिफिक है अगर आप उसकी बात कर रहे हैं आप वहां पर अपना द लगा दीजिए जैसे कि द मैन हु रोट दिस बुक इज फेमस ना कि भाई वो आदमी जिसने ये बुक लिखी मान लो मेरे पास एक बुक है अब मैं स्पेसिफिकली उसी आदमी की बात कर रही हूँ जिसने ये बुक लिखी है तो इसलिए मैंने द लगाया तो द हम लोग उनके साथ लगाएंगे जिनके बारे में हम पर्टिकुलरली बात कर रहे हैं हमें हमारे दिमाग में है कि वो कौन सा आदमी है ठीक है ऐसी अगर मैं बोलू आई क्रैश द रेड कार पार्क आउटसाइड कार्स तो बहुत खड़ी होती हैं है ना अभी नीचे मेरे यहाँ भी बहुत कार खड़ी है बट जो वो रेड वाली कार खड़ी है ना उस पर मेरे से स्क्रैच लग गया तो यहाँ पे वो जो रेड वाली कार है ना उसके आगे बेटा मैंने क्या लगा दिया मैंने लगा दिया द ठीक है ऐसी आई लिव इन द स्मॉल हाउस विद अ ब्लू डोर अब यहाँ पे द क्यों लगा है? भाई ये स्पेसिफिकली बता रहा है कि वो घर वो छोटा घर जिसमें नीला दरवाजा है ना वो मेरा ठीक है घर तो बहुत सारे हैं बट जिस घर का नीला दरवाजा है जो छोटा सा घर है वो मेरा है ठीक है तो इसलिए हमने द लगा दिया तो कोई भी पर्टिकुलर पर्सन या कोई भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए हम लगाते हैं जैसे ही इज द डॉक्टर आई केम टू सी भाई ये वही डॉक्टर है जिससे मैं मिलने आया था अब हॉस्पिटल में जाओगे डॉक्टर तो बधेरे हैं बट भाई ये ये वाला जो है ना ये ये वही है जिससे मैं मिलने आया हूँ ठीक है तो इसलिए हमने क्या कर दिया द लगा दिया समझ में आया अब रूल नंबर थ्री देखो बेटा ऐसे लोग और ऐसी चीजें जो यूनिक है यूनिक मतलब अपने आप में एक है।, इनके अलावा और कोई है नहीं इनके जैसा दूजा। जो अपने आप में यूनिक है this morning. अब सन के आगे क्यों है यूनिक है अपने आप में एक ही है अब कल को तुम सोचो कि तुम जाके आसमान में चमक लो ऐसा तो नहीं हो सकता नहीं हो सकता ना बेटा वो सन का काम है राइट right? तो सन अपने आप में क्या है बेटा सन अपने आप में एक ही है ठीक है इसलिए अपन ने क्या कर दिया द लगा दिया वर्ल्ड क्या है पूरा वर्ल्ड एक ही है ना एक ही टर्म है ना वर्ल्ड के लिए द द द लगा 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 दिया दा लगा दिया दा लगा दिया आसमान ठीक है प्रेसिडेंट कोई पर्टिकुलर पोजीशन है ना प्रेसिडेंट द लगा दिया तो इसीलिए पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या पर्टिकुलर पोजीशन पर्सन के लिए हम लोग क्या करते हैं बेटा द लगाते हैं जो अपने आप में एक ही है जो अपने आप में यूनिक है क्लियर एवरीवन बेटा सब सब कुछ नोट नहीं करना ये सब मैं तुम्हें दे दूंगी टेलीग्राम पे फ्री टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में तू ज्वाइन कर ले मैं बस बोल रही हूँ तो शॉर्ट शॉर्ट नोट्स बना ले जैसे कि मैम जो जो बताती जा रही है ना उसको शॉर्ट 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 तरीके से लिखता जा ताकि तेरे नोट साइड बाई साइड बन जाए तो तुम्हें ना ऐसा नहीं लगेगा कि तुम भूलते जा रहे हो क्योंकि हमारे साथ क्या होता है हम जितना आगे का पढ़ते हैं ना हमें लगता है हम पीछे का भूल रहे हैं राइट right? बट जब वो चीज आपकी आंखों के आगे लिखी हुई होगी ना बेटा तब आपको कतई नहीं लगेगा कि आप पीछे का भूल रहे हो ठीक है जैसे ही आपको लगेगा लगेगा भूल रहे हो आपकी नजर जाएगी आपको लगेगा, नहीं नहीं मुझे आता है तो वो ना एक कॉन्फिडेंस अंदर आपके बिल्ड होगा बस इसीलिए बोल रही हूँ कि आप लोग साथ साथ में लिखते हुए चलो अब देखो द दे, हम लोग सुपरलेटिव और ऑर्डिनल नंबर से पहले भी लगाते हैं सुपरलेटिव क्या होता है भाई सुपरलेटिव होता है हाईएस्ट डिग्री जैसे स्मार्ट स्मार्टर और स्मार्टेस्ट तो जो स्मार्ट टेस्ट है ना वो सुपरलेटिव है ऐसी टॉल टॉलर द लगाना ही लगाना जैसे यहाँ सुपरलेटिव तो डिग्री द आएगा ही आएगा लास्ट है द आएगा ही आएगा टॉलेस्ट है द आएगा ही आएगा तो सुपरलेटिव डिग्री के साथ हम लोग द लगाते हैं और ऑर्डिनल नंबर क्या होते हैं मैम देखो ऑर्डिनल होता है फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स कार्डिनल क्या होता है वन टू थ्री फोर तो जो ऑर्डिनल नंबर है ना थर्ड फोर्थ फर्स्ट इनके साथ भी हम लोग द लगाते हैं जैसे दिस इज द थर्ड टाइम आई हैव कॉल्ड यू भाई ये ना आज तीसरी बार है जब मैं तुझे कॉल कर रहा हूं तुझसे फोन नहीं उठा जाता ठीक है तो यहाँ पे जो थर्ड होगा उसके साथ हम द लगाएंगे क्लियर समझ में आया बेटा ये टॉपिक आपका नाइन्थ में भी है टॉपिक आपका टेंथ में भी है ओके okay, अब देखो द ना हम एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव तो सबको पता है भाई विशेषण द हम लोग उन विशेषण के साथ भी लगाते हैं जो कि रेफर करता है होल ग्रुप ऑफ पीपल को यानी कि एक वर्ड से हम पूरे के पूरे ग्रुप को जब रेफर करते हैं तो हम द लगाते हैं ठीक है जैसे कि द फ्रेंच इंजॉय चीज अभी मैंने पे फ्रेंच बोलकर मैंने क्या कर दिया कि जितने भी फ्रेंच लोग हैं पूरे के पूरे अब ऐसे में बोलू अगर कि है ना तो जितने भी हम लोग हैं हम इंक्लूड हो गए राइट? तो भाई मतलब एक वर्ड से जब हमने सारी कैटेगरी को इंक्लूड कर लिया तो हम क्या करेंगे द लगाएंगे ओके ऐसी द एल्डरली एल्डरली मतलब यहाँ पर क्या है बेटा जो बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं अब उनके अंदर सारे बड़े बुजुर्ग लोग आ गए कि भाई जो एल्डर लोग होते हैं उनको ज्यादा केयर की जरूरत होती है तो मैंने द लगा दिया ठीक है शी अ लॉट ऑफ मनी टू द द पुअर पुअर मतलब जितने गरीब हैं उनको रेफर यहाँ पर किया जा रहा है कि वो उन्हें बहुत ज्यादा पैसा देती है ठीक है सो आई होप दिस इज क्लियर अब आगे देखो भाई द हम डेकेट के साथ भी लगाते हैं है ना सदियों के साथ जैसे कि सेवेंटीज हो गया सिक्सटीज हो गया नाइनटीज हो गया बोलते हैं ना अरे 90s के जमाने के गाने तो कुछ और ही थे है ना 90s के जमाने के जो कार्टून आते थे वो कुछ और ही थे राइट तो ये जो डकेड्स होती है ना 90s 70s uh, 50s ठीक है तो इन सब के साथ हम द लगाते हैं ऐसे ही ऐसे भी लिख सकते हैं इसे 1820s 1920s पीछे इज आएगा ठीक है पीछे इज आएगा तो हम क्या करेंगे बेटा हम द लगाएंगे टी एच ई लगाएंगे क्लियर एवरीवन ऐसे ही देखो वो वाले क्लॉजेस क्लॉजेस किसको बोलते हैं जो हमारे सेंटेंस के अंदर आते हैं है ना जो हमारे सेंटेंस के अंदर ही होते हैं छुपे हुए होते हैं मतलब ऑब्वियसली हमें दिखाई दे रहे होते हैं बट तो सेंटेंस के अंदर होते हैं एंड अगर वो बाय ओनली से ही शुरू हो रहे हैं बाय ओनली मतलब यहाँ पे अच्छा इतना क्लियर है इससे पहले का क्लियर है लिख रहे हो ना साथ साथ यस और नो देखो आर्टिकल से कैसा टॉपिक है जिसमें बहुत लोग डगमगा जाते हैं तो मुझे नहीं चाहिए कि आप लोग भी डगमगाओ जी बेटा नरेशन मैंने तीन बार पढ़ा दिया स्ट्राइकर रोटी एक बार बेटा डिस्क्रिप्शन में ना प्लेलिस्ट का लिंक भी है आप लोग देख सकते हो ठीक है प्लेलिस्ट में ना नरेशन वगैरह सब मैंने अभी अभी पढ़ाया है आप लोग वीडियोस देख सकते हो ठीक है बेटा चलिए तो भाई देखो अब जो ओनली से शुरू होंगे ना clause, clause मतलब अगर जिसे भी निकाल लू न, तो उनका अपने आप में सेंस बनेगा जैसे मैंने बोला यहाँ पर दिस इज तो क्या है अगर मैं डे को बाहर भी निकाल लू तो सेंस बनेगा ओनली पर्सन को बाहर निकाल लू सेंस बनेगा ओनली टी को बाहर निकाल लू सेंस बनेगा ठीक है तो यहाँ पर जो ओनली से शुरू होंगे ना हमारे क्लॉज उनके साथ भी हम द लगा सकते हैं क्योंकि ओनली मतलब क्या होता है केवल स्पेसिफिक है ना तो स्पेसिफिक के लिए तो ऑब्वियसली हम लोग द लगाते ही लगाते हैं ठीक है बेटा नेक्स्ट अब देखो द हम लोग ज्योग्राफिकल एरिया के साथ रिवर के साथ माउंटेन रेंजेस यानी कि जो ग्रुप ऑफ माउंटेन्स है ना उनके साथ लगाएंगे बट अगर एक सिंगल माउंटेन का नाम है तो उनके साथ द नहीं आता ये डिफरेंस अभी आपको आगे पता चलेगा बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं ठीक है बेटा तो यहाँ पर जो भी ज्योग्राफिकल एरिया है उसके साथ आपका द आएगा रिवर्स के साथ आएगा माउंटेन रेंजेस के साथ आएगा ग्रुप ऑफ आईलैंड कैनाल एंड ओशियन के साथ भी आपका द आएगा जैसे कि द आर्टेक द अटलांटिक द नाइल है ना रिवर का नाम है द रॉकी माउंटेन्स पूरे माउंटेन के ग्रुप का नाम है तो इन सब के साथ हमें द लगाना ही लगाना है ऐसी भी कंट्रीज होती हैं जिनके प्लूरल नाम होते हैं ठीक है जैसे कि नेदरलैंड्स हो गया फिलीपींस हो गया तो इनके साथ भी हम लोग द लगाते हैं ऐसी कंट्रीज जिनके प्लूरल नाम है उनके साथ भी हम द लगाते हैं बेटा विशु सैनी तो पढ़ो ना बेटा अगर इंग्लिश वीक है मेरी जान आप इंग्लिश की क्लास में हो तो बेटा पढ़ो अगर आप पूरी क्लास सुनोगे नहीं और केवल यही बोलते रहोगे मेरे मेरे को इंग्लिश नहीं आता नहीं आता तो फिर वो आएगा भी नहीं क्योंकि हमारे ना हमारे में ना बोला जाता है कि मुंह पर ना आपके सरस्वती वास करती है ठीक है यानी कि जो आप बोलोगे ना आपके साथ वैसे ही चीज़ें होने लगेंगी अगर आप अच्छी अच्छी चीज़ें बोलोगे तो आपके साथ सारी अच्छी अच्छी चीज़ें होंगी आप अगर पूरा टाइम अपने आप को नेगेटिविटी में डालोगे ना कि मुझे नहीं आता मुझसे नहीं होगा मैं नहीं कर सकता मुझे मुझसे तो पढ़ना भी नहीं आता मैं कैसे करूंगा तो वो ना धीरे धीरे वैसे ही आपका दिमाग वैसे ही डम होता जाएगा पीछे 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 जाते रहोगे ठीक है? तो अपने दिमाग को आप गलत सिग्नल मत दो थोड़ी सी मेहनत करो आए हो तो पढ़ो एक बार समझ में आएगा ओके ठीक है तो कंट्रीज प्लूरल नेम उनके साथ भी द आएगा ऐसी कंट्रीज जिनके साथ किंगडम स्टेट या रिपब्लिक लगा होता है वहां पर भी बेटा हम लोग द द लगाते हैं जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स जहां पर भी देखो ना अगर कोई भी कंट्री का नाम है वहां पे स्टेट लगा है किंगडम लगा है ठीक है या फिर तुम्हारा रिपब्लिक लगा है तुम उनके साथ द लगा देना जैसे यहाँ पर है रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड तो रिपब्लिक लगाए अपन ने द लगा दिया स्टेट लगाए अपन ने द लगा दिया ठीक है किंगडम लगा होता अपन द लगा देते तो ये तीन चीजें आप लोग प्लीज अपने दिमाग में रखो हाँ बेटा हसमत सैफी ये यूपी बोर्ड के सिलेबस में है ओके okay, नेक्स्ट अगर कोई न्यूज़पेपर का नाम है बेटा उसके साथ भी आप लोग द लगाओगे ठीक है जैसे कि द गार्डियन द न्यूयॉर्क टाइम द हिंदुस्तान टाइम तो कोई भी अगर अखबार का नाम है कोई भी न्यूज़पेपर का नाम है उसके साथ भी हमें द लगाना है अब आगे अब हम देखेंगे कि द मैम हमें कहां कहां पर नहीं लगाना ये तो आई होप सबको समझ में आ गया ना कि द हमें कहाँ लगाना है अब हम देखेंगे अब हम उस गली जा रहे हैं जहां पर द का आना मना है ठीक है तो हम एक जर्नी पर हैं और अभी हम द कहाँ कहाँ रहता है वहां वो हम देख आए अब हम वहां चलते हैं जहां पर द का आना मना है कि द भाई तू अंदर नहीं आ सकता तू निकल ठीक है यस और नो जल्दी बोलो भाई आगे बढ़े फिर फटाफट फड़। ठीक है अब ओमिशन मतलब कि कहा हमें नहीं लगाना देखो जो भी मटेरियल एब्स्ट्रैक्ट प्रॉपर नाउन होगा ना जिन्हें हम जनरल सेंस में बात करेंगे द नहीं लगाना मटेरियल मतलब जैसे शुगर हो गया कोई भी मटेरियल हो गया जिसकी आप आम बात कर रहे हो क्योंकि द हमेशा स्पेसिफिक चीजों के साथ लगता है आम चीजों के साथ नहीं लगता महंगी बातचीत है भाई ठीक है तो आम चीजों के साथ नहीं लगता वो अब आप बोलो कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी ऑनेस्टी क्या है कि आप स्ट्रैक्ट नाउन है है ना और ये ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी एक जनरल बात है एक आम बात है कि ऑनेस्ट हमें रहना चाहिए तो द नहीं आएगा ठीक है चीनी मीठी होती है एक आम बात है द नहीं आएगा समझ में आया पेरिस इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस द पेरिस या द फ्रांस नहीं आएगा कंट्री के नाम के साथ द हमें नहीं लगाना नाउन के साथ हमें द नहीं लगाना जहां लगाना था जिन कंट्रीज के साथ लगाना था जिनका प्लुरल नाम है जिन में उनके साथ भी हमें नहीं लगाना जैसे चिल्ड्रेन लाइक टॉयज टॉयज प्लुरल भी है यानी कि अगर कोई चीज बहुवचन है और आप उसे काउंट कर सकते हो मान लो मेरे हाथ में बहुत सारे पेन है तो वो बहुवचन हो जाएगा कि अगर बहुत सारे पहने और मैं उसे काउंट भी कर सकती हूं एक दो तीन चार तो उनके साथ भी हम द नहीं लगाएंगे बच्चों को खिलौने पसंद है खिलौने बहुत सारे हैं खिलौने हम काउंट भी कर सकते हैं तो हम इनके साथ द नहीं लगाएंगे क्योंकि जनरल बात है ये जनरल बात है ठीक है नेक्स्ट इज लोगों के नाम के आगे द नहीं आता द रोहित द पारुल द प्रीति ये सब नहीं लगाना द कबीर नहीं लगाना ठीक है तो लोगों के नाम के साथ भी बेटा हम लोग द कते ही यहाँ पर नहीं लगाएंगे अब आगे देखो ध्यान से सुनना कोई भी कंटिनेंट हो गया कोई भी कंट्री हो गई कोई भी सिटी हो गई उसके नाम के साथ द नहीं लगाना द इंडिया नहीं होगा द यूरोप नहीं होगा द लखनऊ नहीं होगा द जयपुर नहीं होगा ठीक है जल्दी बताओ बेटा समझ में आया तो इस चीज का ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है दूसरी चीज जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया अगर माउंटेन रेंजेस है जैसे द रॉकी माउंटेन्स था वो पूरा माउंटेन का ग्रुप है उनके साथ आप द लगा दो बट द माउंट एवरेस्ट नहीं होगा बहुत सारे बच्चे यही पिछली बार गलती करके आए थे माउंट एवरेस्ट के आगे द लगा दिया कोई भी आप पर्वत के नाम के आगे द नहीं लगाओगे इंडिविजुअल माउंटेन या इंडिविजुअल पीक के आगे आपको द नहीं लगाना अगर वो ग्रुप में है माउंटेन रेंजेस है तो आप द लगा सकते हो ठीक है नेक्स्ट है मील्स के नाम के आगे भी नहीं लगाना यानी कि खाना रेडी हो गया लंच तैयार है डिनर तैयार है ब्रेकफास्ट तैयार है इन सब के साथ बेटा हमें द नहीं लगाना ये जो हमारी मील्स होती है ना ब्रेकफास्ट हो गया लंच हो गया डिनर हो गया इनके साथ हमें द नहीं लगाना ठीक है ऐसे ही लैंग्वेजेस के साथ या स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी चर्च हॉस्पिटल इनके साथ हम द नहीं लगाते ठीक है एंड लास्ट इज के रिलेशन जैसे फादर मदर इनके साथ भी द नहीं आएगा द फादर इज एट होम नहीं होगा खाली फादर इज एट होम द ब्रदर नहीं होगा द सिस्टर नहीं होगा तो जो ये रिलेशन है ना इनके साथ भी द नहीं आ ठीक है तो ये सारी चीजें आपको अपने दिमाग में रखनी है मैं तो यही बोलूंगी कि आप लोग अपने हाथ से नोट्स भी बनाइएगा जब मैं एक बार आपको ये स्लाइड्स टेलीग्राम पे भेज दूंगी डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है ज्वाइन कर लो तो आधा घंटा लगाना जो बच्चे अभी नोट्स नहीं बना रहे वो तब जरूर बनाना तो आपके दिमाग से कभी नहीं जाएगा वरना आप मेरे साथ साथ भी नोट्स बना सकते हो ठीक है तो यहाँ पर आर्टिकल्स खत्म होता है अब हम आते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर पे देखो डेमोन्स्ट्रेटिव ना चार ही होते हैं जो डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है कोई चीज कहा है हमें बता रहा है ठीक है ये क्या करता है पॉइंट आउट करता है पर्टिकुलर नाउन को जैसे कि दिस दैट एंड दो यही चार हैं बट इनके आगे ना इनके आगे हमेशा नाउन जरूर होगा जैसे दैट हाउस इज वेरी डर्टी अब दैट क्या है दूर है सिंगुलर है, है यार वो घर बड़ा गंदा है दैट हाउस इज वेरी डर्टी राइट मैं बोलू अगर दिस पेन इज वेरी नाइस तो ये क्या है दिस मैंने क्यों लगाया क्योंकि ये पेन मेरे पास है और सिंगुलर है हम लोग कब लगाते हैं? जब कोई चीज मेरे पास है है, पर वो ना? और कब लगाते हैं? जब कोई चीज़ दूर है और वो प्लूरल है तो ये तो हमने बचपन में भी सीखा है कि दिस दीज और हमें दोज और दैट कहाँ पर लगाना है तो यही चार हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर होते हैं इनके बाद नाउन आता ही आता है ठीक है बेटा वेरी नाइस nice. अब नेक्स्ट है पोजेसिव अच्छा एक बात बताओ आप सबका बेस्ट फ्रेंड है बेस्ट फ्रेंड हो या यहाँ कमेंट सेक्शन में गर्लफ्रेंड लोग पटाते रहते हैं तो कोई पट गई हो कोई है ऐसा आपकी लाइफ में जल्दी बताओ मैं एक मिनट पानी ले आऊं इतने तुम लोग चर्चा करके मुझे कमेंट करो जल्दी ओके okay. हाँ भाई तो हैगा कोई बेस्ट फ्रेंड किसी की कोई गर्लफ्रेंड हो या गर्लफ्रेंड ना हो बस ऐसी बात करते हो हाँ. तो जो लोग यस मैम लिख रहे हैं ना पता था मुझे मुझे पता था ठीक है तो अगर तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड किसी और से बात कर ले तो तुम लोग पॉजिटिव होते हो कि नहीं पॉजिटिव क्या होता है के भाई कोई चीज़ मेरी है तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है ना तू उसकी साइड क्यों ले रही है तू उससे बात क्यों कर रही है बता बड़ा गुस्सा आता है ना जब हम एक दिन अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ बैठ के उसकी बुराई कर रहे होते हैं किसी और की और दूसरे दिन वो जाके उसी के साथ मूवी देख रही होती है अपने बर्थडे पे आता है ना गुस्सा फिर आपको लगता है यार कितने डबल स्टैंडर्ड हो हो राइट हाँ। तो जब आप क्या हो जाते अब ये ये सब पूछने का लॉजिक क्या है कि मैं समझा पाऊ पॉजिटिव होता क्या है यानी कि कोई भी चीज जिससे ये पता चले डिटर्मिन में कि वो चीज हमारी है या तुम्हारी है या उनकी है ठीक है तो यही होता है पोजेसिव ठीक है पोजेसिव डिटरमिनर्स का यूज किया जाता है दिखाने के लिए कि भाई कोई चीज किसकी है ठीक है जैसे कि माई पेन माई बोर्ड ठीक है योर ओके हर हाउस ठीक है कार समझ गए तो कोई सी कोई भी चीज किसकी है ये बताने के लिए हम पोजेसिव डिटर्मिन का यूज करते हैं

Bella, उसका नाम है पता चल रहा है भाई किसका नाम है भाई उसका नाम है वी कैन गो टू देयर प्लेस हम उनके घर जा सकते हैं किन के प्लेस देयर प्लेस तो ऐसे वर्ड्स जिनसे हमें पता चले कोई चीज किसकी है वो क्या होते हैं पोजेसिव डिटर्मिन ठीक है क्लियर एवरीवन ऑल राइट अब आ जाओ बेटा क्वांटिफायर पे क्वांटिफायर क्या होता है जिससे ना हमें क्वांटिटी पता चले ठीक है जिससे हमें क्या पता चल रहा है क्वांटिटी पता चल रहा है हाउ मच या हाउ मेनी ओके okay, अब ये जो आप देख रहे हो ना फ्यू इनफ लेस लिटिल मैनी ये सारे हमारे क्या है ये सारे हमारे हैं जैसे कि आई बहुत सारे खिलौने हैं भले ही एग्जैक्ट नंबर यहाँ पर मेंशन नहीं है बट हमें मैनी से क्या पता चल रहा है जैसे ही मैनी लग गया अपने को पता चल गया कि भाई अपने पास बहुत सारे खिलौने हैं ठीक है ऐसी वो तो दोनों दिनों पे बाहर गया है ना तो हमें पता चल रहा है हमें एक नंबर पता चल रहा है कि वो दोनों दिन पे बाहर गया ही गॉट इनफ कार्स कार्स उस पे काफी है है ना तो ये सारे हमारे क्या हो जाते हैं बेटा क्वांटिफायर क्वानी अब इसमें से हम लोग थोड़े से डिस्कस करते हैं जिनमें बच्चों को कंफ्यूजन आता है पेपर में कि मैम कहाँ कहा लगाना है तो देखो सम और एनी हम इस्तेमाल करते हैं ये आपको अपनी रोजमर्रा की लाइफ में भी आप इस्तेमाल करते हो तो वहां पर भी आपको मदद मिलेगी ठीक है लाखों लोग YouTube पर रोजाना सर्च करते हैं कि सम और एनी में डिफरेंस क्या है right? मुझे सम लगाना चाहिए या मुझे एनी लगाना चाहिए दोनों ही सबको सेम से लगते हैं तो इसमें डिफरेंस क्या है ठीक है खाली लोग इन इन चीज की वीडियोस को सर्च करते हैं पता है आपको तो ये चीज पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है देखो सम और एनी ना दोनों ही determiners है और ये एक इनडेफिनेट क्वांटिटी या नंबर को एक्सप्रेस करते हैं इनडेफिनेट मतलब हमें पता नहीं है कोई चीज कितनी है दो है चार है छ है आठ है दस है डेफिनेट नंबर नहीं है हमारे पास ठीक है तो उस क्वांटिटी को या उस नंबर को ये दिखाते हैं अब सम और एनी हम लोग तब लगाते हैं जब यही तो बताना आसान नहीं है कि एग्जैक्ट कोई चीज कितनी है या बताना जरूरी नहीं है कि कोई चीज एग्जैक्टली exactly कितनी है दोनों को ही इन दोनों को ही हम काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों नाउन के साथ यूज कर सकते हैं ठीक है अब जो सम है ना डिफरेंस क्या है सम को हम एफर्मेटिव स्टेटमेंट में यूज करते हैं एफर्मेटिव अगर आपने टेंसेस पढ़े हैं मुझसे आपको पता हो यानी कि सकारात्मक वाक्य पॉजिटिव वाक्य जिनमें कोई नो no नहीं लिखा होता नॉट नहीं लिखा होता उनमें हम सम लगाते हैं जैसे देर आर सम पोस्ट कार्ड इन माई बैग

ठीक है अगर हम काउंटेबल के साथ लगा रहे हैं अगर हम अनकाउंटेबल के साथ भी इसको लगा सकते हैं यानी कि डस्ट अब डस्ट को हम काउंट तो कर नहीं सकते है ना डस्ट तो हमें कितनी है वन टू थ्री करके तो काउंट नहीं कर सकते सो देयर इज सम डस्ट ऑन द फ्लोर देयर इज सम चीज इन द फ्रिज देयर इज सम फ्रूट्स इन द बास्केट ठीक है तो बेसिकली बताया जा रहा है कि सम को आप जो उन चीजों के साथ भी लगा सकते हो जो हम काउंट करें उन चीजों के साथ भी लगा सकते हो जिन्हें हम काउंट नहीं करें बट इनका इस्तेमाल सकारात्मक यानी कि में होता है बट दूसरी जगह जो हमारा एनी है है ना उसका इस्तेमाल नेगेटिव और क्वेश्चन में होता यानी कि नकारात्मक स्टेटमेंट और आपके जो क्वेश्चन है उनमें हम एनी का इस्तेमाल करते हैं डिफरेंस समझ में आया जैसे कि देखो देअर आर नॉट एनी पीपल आर नॉट इज अरेंट अरेंट एनी पीपल ऑन द मून

कि right, so कि अभी तक आपको ये समझ में आ गया और हमें कहाँ लगाना है अब एक बात, एक बात, बात, बेटा में में और negative statement में आपको यूज करना है क्वेश्चन में और नेगेटिव स्टेटमेंट में हम लोग यूज करेंगे ठीक है अब यहाँ पर देखो अगर कोई नेगेटिव स्टेटमेंट है तो वी कैन यूज नो इन प्लेस ऑफ नॉट एनी ठीक है आप नो भी लगा सकते हो नो इज़ इज़ वर्ब ऑलवेज़ पॉजिटिव जैसे देखो देयर एनी वाइल्ड एनिमल इन द फॉरेस्ट ये स्टेटमेंट भी क्लियर है या फिर आप इसकी जगह ये जो नॉट है ना देयर अरेंट मतलब आर नॉट तो ये आर नॉट की जगह लिखा है आप नॉट की जगह खाली नो भी लगाते हो बट जब आप नो लगाओगे तो एनी नहीं आएगा देयर आर नो वाइल्ड एनिमल्स इन द फॉरेस्ट दोनों ही स्टेटमेंट सही है ठीक है दोनों ही स्टेटमेंट सही है ठीक है अब आगे देखो ये और कुछ चीजें हैं जिसे हम देख लेते हैं सम हम लोग ऑफर या रिक्वेस्ट में भी लगाते हैं ठीक है सम हम लोग ऑफर या रिक्वेस्ट में भी लगाते हैं हाँ बेटा तो लीना उसी पर तो आ रही हूं कि आप रिक्वेस्ट में भी लगा सकते हो कैसे लगाओगे आगे अभी देखेंगे सो जैसे वुड यू लाइक सम केक आप ऑफर कर रहे हो किसी को कोई चीज के भाई केक खाओगे थोड़ा तो हम सम लगा सकते हैं could you do some typing for me हम लोग क्या कर सकते हैं? अगेन सम लगा सकते हैं ठीक है क्लियर हुआ सेम विद एनी ठीक है जब आप किसी चीज से किसी से कोई चीज मांग रहे हो तो आप एनी लगा सकते हो ठीक है कि मुझे आप कोई भी दे दो जब आपको ऐसा कुछ बोलना है कि आप मुझे कुछ भी दे दो या आप मुझे कोई कोई भी चीज दे दो कोई भी पेन दे दो जैसे आप बोल रहे थे अभी तो आप लगा सकते हो ठीक है अब हम आगे चलते हैं मच पे मच और मेनी पे मच और मैनी क्या करता है लार्ज क्वांटिटी को एक्सप्रेस करता है सम और एनी थोड़ी क्वांटिटी को दर्शाता है बट जो मच और मैनी है वो हमारी लार्ज क्वांटिटी को दर्शाता है ठीक है अब मच हम क्या करते हैं ध्यान देना सिंगुलर अनकाउंटेबल के साथ लगाते हैं और मैनी हम लोग प्लूरल काउंटेबल के साथ लगाते हैं है. मैम नहीं समझ में आया देखो मैं बताती हूँ मैंने बोला मच आप उसी चीज के साथ लगाओगे जिसे आप काउंट नहीं कर सकते नहीं कर सकते आप काउंट ठीक है आप बोलते हो ना मैम देयर इज सो मच प्रेशर क्या आप प्रेशर को काउंट कर सकते हो जल्दी बताओ भाई एक बारी। क्या मैं बोलू कितना प्रेशर आप बोलोगे मैम सो मच मैं बोलूंगी कितना सो so मच क्या काउंट कर लोगे मैम टू प्रेशर आई हैव थ्री प्रेशर आई हैव फोर प्रेशर कर सकते हो ऐसा येस और नो जी, कर लोगे काउंट के नहीं कर पाओगे बताओ नहीं कर सकते ना तो वही बात लिखी है बट बट जो मेनी होगा ठीक है और मच सिंगुलर होगा मच आपका एक वचन में होगा बट जो मैनी होगा ना मैनी तो मैनी तो वैसे ही पता चल रहा है मतलब कि प्लुरल और ये होगा जिसे आप काउंट कर सकते हो तो ये इनमें डिफरेंस है जैसे आई हैव मैनी पोस्ट कार्ड आप पोस्ट कार्ड काउंट कर सकते हो हाँ भाई कर सकते हैं हमारे पास बहुत सारे है. कितने हैं कितने हम काउंट भी कर सकते हैं सौ दो सौ तीन सौ ऐसे ही शी हैज गॉट मच इन्फ्लुएंस ऑन यू भाई उसका बड़ा प्रभाव है तुझपे प्रभाव को आप काउंट कर सकते हो नहीं कर सकते इसलिए हमने मच लगाया बस हमें पता है कि बड़ा प्रभाव है ऐसे देयर आर मेनी स्टूडेंट्स हमें एग्जैक्ट नहीं पता बट अगर हम चाहें हम गिन सकते हैं कि स्टूडेंट्स कितने हैं तो हमने बोला मेनी स्टूडेंट ऐसे मैं बोलूं देयर इज मच ऑरेंज जूस क्या मैं ऑरेंज जूस को काउंट कर सकती हूँ कि वो कितना है नहीं बट काफी है मच है ठीक है सो आई होप बेटा कि दिस इज क्लियर इसमें कोई डाउट आपको नहीं रहना चाहिए ऐसी देखो देयर इज इंट मच शुगर देयर आर इंट मैनी पीपल ही हैव मच टाइम टाइम को आप काउंट नहीं कर सकते ठीक है तो ये कुछ और एग्जाम्पल है जिन्हें आप लोग आराम से पढ़ सकते हो आगे आता है टू मच और टू मैनी अब दोनों ही टू मच भी और टू मैनी ठीक है ये दोनों क्या दिखाते हैं टू मच और टू मैनी दिखाते हैं कि कोई चीज बहुत ही ज्यादा एक्सेस में है भरपूर है ठीक है और ये ना केवल एफोमेटिव यानी कि पॉजिटिव सेंटेंसेस में ही लगाए जाते हैं समझ में आ रहे हैं थैंक यू आयुष त्रिपाठी थैंक यू भाई देखो ये जो हम पढ़ रहे हैं ना ये तो सब बकवास है ठीक है यहाँ पर एक काव्य आई है उनका सब स्वागत करो और मैं काव्या की तरफ से सबको अपील करती हूँ कि भाई काव्या बोल रही है आप लोग दोस्त बनना भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक तो बेटा ऐसे ही है ये तो मैं बोर हो रही थी तो मैंने सोचा चलो थोड़ा यूट्यूब पे टाइम पास कराती हूँ ठीक है तो सारे बच्चे अभी के अभी पढ़ाई छोड़ेंगे और काव्या के दोस्त बनेंगे बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ पढ़ लो दोस्त तो बेटा बनते रहते हैं ये ये क्या ये तुम्हें दोस्त बनाने यूट्यूब से हाँ? ये अपने घर बैठे हैं, तुम अपने घर बैठी हो ना कभी मिलना होगा ना झुलना सिर्फ इंस्टा पे बातें कर सकती हो ज्यादा से ज्यादा क्या करोगी ऐसे उनका है बताओ चलो सो टू मच और टू मैनी क्या है एक्सेस चीजों को दिखाता है जैसे देर इज टू मच है ना भाई बहुत ज्यादा शोर है देर आर टू मैनी पीपल पार्टी में बहुत सारे लोग हैं तो जहां पर भी टू मच टू मैनी होगा मतलब वो बहुत ज्यादा एक्सेस चीज को दिखा रहा है क्लियर बहुत सारी बहुत ज्यादा ही कोई चीज है अब हाउ मैनी हम लोग प्लूरल नाउन के साथ लगाते हैं और हाउ मच अनकाउंटेबल जैसे मैंने अभी बताया मैंने बोला ना कि मैनी आपका प्लूरल के साथ आएगा और मच आएगा आपका सिंगुलर जिसे आप काउंट नहीं कर सकते तो वही चीजें यहाँ पे बार बार रिपीटेड है ये एग्जाम्पल मैंने डाले हैं जो तुम लोग रीड कर सकते हो तुम्हें समझ में आएगा ठीक है मच और मैनी जो हमने अभी समझा ना उसी से रिलेटेड मैंने काफी सारे एग्जाम्पल यहाँ पे डाल दिए हैं विच यू कैन सी अब हम लोग आ जाते हैं बेटा अ फ्यू और अ लिटिल पे ठीक है अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है अ फ्यू और अ लिटिल ये क्या है इसमें क्या डिफरेंस है हम अ फ्यू कहाँ लगाते हैं खाली फ्यू कहाँ लगाते हैं अ लिटिल कहाँ लगाते हैं खाली लिटिल कहाँ लगाते हैं है। मैम ये अ लगाने से सारे जज्बात क्यों बदल जाते हैं देखो आई विल यू अ फ्यू ना एक्सप्रेस करता है स्मॉल क्वांटिटी को और अगर खाली फ्यू है खाली फ्यू है वो क्या इंप्लाई करता है दैट समथिंग इज नॉट मेनी नॉट इनफ और ऑलमोस्ट नन यानी कि नेगेटिव आइडिया एक्सप्रेस करता है ठीक है अब डिफरेंस समझने की कोशिश करो हम बात कर रहे हैं अ फ्यू की और फ्यू की तो अ फ्यू क्या है जिसके साथ अ लगा है ना ऐसे समझ लो आप जो दो हैं जो इसके साथ अ लगा है वो पॉजिटिव है और जो खाली फ्यू है वो नेगेटिव है एग्जाम्पल के थ्रू आपको ज्यादा समझ आएगा अगर मैं बोलूं

क्लियर ये और नो तो फ्यू एक पॉजिटिव आइडिया तुम लोगों को दिखाएगा और दूसरे ही हाथ पे जो फ्यू है खाली फ्यू वो आपको एक नेगेटिव आइडिया दिखाएगा ठीक है और आप इन्हें काउंट कर सकते हो ये काउंटेबल के साथ इस्तेमाल किए जाते हैं ऐसे ही सेम होता है हमारा अ लिटिल और लिटिल लिटिल आप अनकाउंटेबल के साथ यूज करते हो आप काउंट नहीं कर सकते ठीक है जैसे अ फ्यू फ्रेंड्स के साथ यूज किया आप काउंट कर सकते हो कितने दोस्त हैं बट लिटिल आप काउंट नहीं कर सकते और यहाँ पे आइडिया सेम है कि अ लिटिल होगा तो पॉजिटिव आइडिया है कि भाई वी हैव अ लिटिल मिल्क लेट्स मेक केक चलो भाई थोड़ा सा दूध है केक बना लेते हैं बट अगर मैं वी हैव लिटिल मिल्क वी कैन नॉट मेक केक भाई थोड़ा सा ही तो केक है भाई कैसे बनेगा केक समझ रहे हो तो पॉजिटिव आइडिया और नेगेटिव आइडिया की यहाँ पर बात हो रही है अगर अ लिटिल है लिटिल के साथ अ जुड़ा है तो पॉजिटिव आइडिया है सकारात्मक बात है ठीक है और अगर खाली लिटिल है तो नकारात्मक बात है क्लियर गाइस और ये अनकाउंटेबल के साथ हम लोग इस्तेमाल करते हैं सो आई होप कि आप लोगों को लिटिल अ लिटिल फ्यू और अ फ्यू समझ में आया अगर आ गया तो एक बार स्पैम कर दो इन द कमेंट सेक्शन यस मैम जल्दी जल्दी तो so ये कुछ और गाइस कैन डेफिनेटली रीड अब हम देखेंगे यार लॉट ऑफ हम कहा लगाते हैं ठीक है अब आप लॉट ऑफ की जगह ना लॉट्स ऑफ भी लगा सकते हो जैसे हम बोलते हैं ना लॉट्स ऑफ लव बर्थडे पे बोलते हैं ना लॉट्स ऑफ विशेस लॉट्स ऑफ लव तो लॉट्स ऑफ थोड़ा सा इनफॉर्मल हो जाता है अ लॉट ऑफ थोड़ा सा फॉर्मल हो जाता है ठीक है अ लॉट ऑफ इज बहुत सारा जैसे अगर मैं बोलू देयर आर अ लॉट ऑफ बस स्टॉप्स भाई काफी सारे बस स्टॉप्स हैं आर देयर अ लॉट ऑफ पीपल क्या बहुत सारे लोग हैं सो अ लॉट ऑफ क्या रिप्रेजेंट करता है बहुत सारे को ठीक है बेटा जैसे हम बोलते हैं आई लव यू अ लॉट मैम ये तो बोलते ही हो तुम लोग आई लव यू अ लॉट तो अ लॉट क्यों बोलते हो कि मैम बहुत प्यार करते हैं राइट ठीक है क्लियर चलो अब आते हैं डिटरमिनर्स ऑफ डिफरेंस पे जो हमें डिफरेंस बताया यानी कि अदर एंड अनादर ये जो दो है ना ये हमारे डिटरमिनर्स ऑफ डिफरेंस हैं समझ में आया बेटा लीना पढ़ा दूंगी द बुक दैट सेव दी अर्थ ठीक है देख लिया मैंने शो ने पढ़ा दूंगी ओके सो अदर और क्या दिखाता है हमें डिफरेंस दिखाता है अब यहां पर थोड़ा सा ही बचा है ढंग से सुन लो अभी पहले हम एक बार लिस्ट देख लेते हैं कि भाई हमने कितना कर लिया क्योंकि बचा तो हमारे पास बहुत ही कम है ठीक है हमने काफी कर लिया है बहुत कम हमारे पास बचा है ये देखो बोलते जाना है तो में जिन जिन पे टिक लगाऊंगी आपको मुझे बताते जाना है कि यस मैम ये समझ में आ गया ये मैम समझ में आ गया तो दस मिनट हमारी क्लास अभी और चलेगी लास्ट का कुछ टॉपिक बाकी है ठीक है बेटा चलो तो भाई सबसे पहले हमने पढ़ा आर्टिकल्स के बारे में द पढ़ा है ना ए एन पढ़ा एक बारी में ये सब हटा देती हूँ अब टिक लगाते हैं हम तो हमने द पढ़ा ए एन पढ़ लिया हमने डेमोन्स्ट्रेटिव पढ़ लिया दिस दैट दिस दोस हमने पॉजिटिव डिटर्मिनर्स क्या होते हैं उन्हें देख लिया हमने क्वांटिफायर्स को देख लिया हमने नंबर्स को देख लिया ठीक है अब हम क्या देखने जा रहे हैं डिफरेंस वर्ड्स को हम लोग देखने जा रहे हैं ठीक है बेटा चले सो लेट्स गो जहां पर हम लोग थे ठीक है भाई यहां पर हम लोग थे डिटर्मिन ऑफ डिफरेंस पे सो so, देखो अदर क्या होता है अदर मतलब अदर हम लोग यूज करते हैं दिखाने के लिए कि कोई चीज एक्स्ट्रा है एडिशनल है या फिर टाइप्स ऑफ है ये हमेशा प्लूरल और काउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है यानी कि जो चीज हम काउंट कर पाए और जो चीज बहुवचन हो जो चीज प्लूरल हो ठीक है एंड साथ ही साथ सारे अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी यूज होता है यानी कि सिंगुलर के साथ यूज नहीं होता ठीक है फॉर एग्जाम्पल देखो अदर शूज माइट मैच योर आउटफिट बेटर अदर मतलब दूसरे कि भाई शायद ना दूसरे शूज तेरे आउटफिट के साथ ज्यादा अच्छे लगेंगे तो यहां पर यही लिखा है अदर क्या दिखाता है नहीं तो दूसरा और नहीं तो एडिशनल ठीक है ऐसी अगर मैं डू वी हैव एनी अदर फ्रूट फ्रूट क्या हमारे पास कोई और पड़ा है तो अदर इज वॉट कोई दूसरा या फिर कोई और ठीक है ऐसे ही जो अनदर है इसका मतलब होता है वन मोर या फिर अ डिफरेंट वन ठीक है ये सिर्फ सिंगुलर के साथ यूज होता है ऊपर वाला सिंगुलर काउंटेबल के साथ यूज नहीं होता बट नीचे वाला सिंगुलर काउंटेबल के साथ यूज होता है जैसे

यस और नो चलो अब हम चलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमिनर्स पे ठीक है डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमिनर्स क्या होते हैं देखो नहीं तो ये ग्रुप को रेफर करेंगे या फिर ग्रुप के हर एक बंदे को रेफर करेंगे मान लो आपकी क्लास टीचर ने अच्छा आपको प्रोजेक्ट तो मिलते होंगे मिलते हैं कि नहीं प्रोजेक्ट तो अब आपकी क्लास टीचर ने आपको प्रोजेक्ट दिया और आपको ग्रुप्स में बांट दिया अब ये क्या करते हैं नहीं तो ये एक ग्रुप को ही रेफर करेंगे या फिर एक ग्रुप में जितने लोग हैं उनको रेफर करते हैं ठीक है? जैसे कि ईच हो गया, एवरी हो गया ऑल हो गया ईदर हो गया नीदर हो गया हाफ हो गया तो ये सारे वर्ड हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर होते हैं ठीक है क्लियर एग्जाम्पल देखते हैं कि ईच और एवरी हम लोग कहां पे लगाते हैं अब आप लोग रोज ईच एंड एवरी का इस्तेमाल करते हो बट आप लोग समझ नहीं पाते हो कि ईच एंड एवरी हमें लगाना कहाँ है देखो ईच हम लोग लगाते हैं ग्रुप के हर एक इंडिविजुअल को दिखाने के लिए मान लो आपका आपकी टीचर ने ग्रुप बनवाया एक ग्रुप में छह बच्चे हैं ठीक है या सात आठ बच्चे हैं रीना टीना पिंकी निंकी सब है अब इस ग्रुप के हरेक बच्चे को रेफर करने के लिए हम ईच लगाएंगे ठीक है बट एवरी क्या करते हैं एवरी हम इस पूरे ग्रुप को रेफर करने के लिए लगाएंगे ये दोनों ही ईच और एवरी दोनों ही ऐसी संज्ञा के साथ इस्तेमाल होते हैं जिन्हें हम गिन सके जिन्हें हम काउंट कर सके ठीक है जैसे देखो ईच चाइल्ड वॉज लाफिंग अगर मैं इस ग्रुप की बात कर रही हूं और मैं इसमें बोल रही हूँ ईच चाइल्ड वॉज लाफिंग यानी कि इस ग्रुप में हर एक बच्चा हंस रहा है ये भी ये भी ये भी ये भी ये भी ये भी ये भी, भी, भी सब हर एक बच्चे की मैं बात कर रही हूँ बट अगर मैं बोलू एवरी चाइल्ड वॉज लाफिंग तो मैं क्या कर रही हूँ उसे एज अ कलेक्टिवली देख रही हूँ ठीक है कि इस ग्रुप में जितने बच्चे हैं वो हंस रहे हैं समझ में आया क्लियर ईच जब ऑफ के साथ लगता है तो हम इसे प्लूरल नाउन के साथ भी यूज कर सकते हैं जैसे ईच ऑफ द चिल्ड्रेन ही गॉट ईच ऑफ द मैन ईच ऑफ द विंडोज तो अगर आपको ईच को प्लूरल के साथ लगाना है तो हमेशा लगकर ही ही आप लगाओगे। ऐसे जो every होता है वो प्लूरल के साथ नहीं लग सकता। जैसे आप एवरी चिल्ड्रन नहीं लगा सकते ये गलत है तो हमेशा ध्यान रखना कभी आपको कोई भी दिखे जो एवरी का इस्तेमाल प्लूरल के साथ कर रहा है वो गलत है ऐसी अगर मैं बोलू एवरी मैन मैन क्या है प्लूरल तो प्लूरल के साथ एवरी नहीं आएगा ये गलत है इन करेक्ट सेंटेंसिस है दोनों ईच आ सकता है प्लूरल के साथ अगर आप ऑफ लगा रहे हो ईच ऑफ दी मैन ईच ऑफ स्टूडेंट्स आ सकता है बट एवरी नहीं आ सकता प्लूरल के साथ ठीक है क्लियर येस और नो ठीक है तो इधर के कुछ और एग्जाम्पल हैं नीदर कब लगता है बच्चों नीदर लगाया जाता है नीदर और नॉर के भाई हमें बिल्कुल कुछ भी नहीं पसंद ये एक नेगेटिव आइडिया दिखाता है जैसे नीदर कार इज वर्किंग मान लो मेरे आगे कार्स हैं और मैं बोल रही हूँ भाई कोई भी काम नहीं कर रही नीदर कार इज वर्किंग है ना ऐसे में बोलूँ नीदर चाइल्ड के कोई नहीं आया ठीक है तो नीदर क्या दिखाता है एक पेयर यानी कि दो चीजें हैं और उनमें से कोई भी नहीं है नेगेटिव आइडिया दिखाता है दो कार है दोनों ही नहीं चल रही दो बच्चे दोनों ही नहीं आए तो एक पेयर होगा एंड उसमें से दोनों के लिए ही नेगेटिव बात हम लोग कर रहे होंगे समझ में आया बेटा येस और नो जल्दी से बताओ ठीक है इधर इसका बिल्कुल अपोजिट भाई होता है इदर नहीं तो दोनों में से एक पे फोकस कर रहा होगा या वो दोनों पे ही इक्वल तो, तो दोनों में से जब एक को रेफर करना हो या दोनों को ही इक्वली पॉजिटिव साइड में दिखाना हो तो ईधर लगाते हैं नेगेटिव में दिखाना हो तो हम लोग नीदर लगाते हैं बहुत आसान सी ये चीज है बेटा जो हमें ध्यान में रखनी है, ठीक है आप प्लूरल के साथ भी लगा सकते हो बट याद रखना इनके आगे ऑफ लगाना पड़ेगा ईदर ऑफ नीदर ऑफ करके आप प्लूरल के साथ लगा सकते हो वरना आप इन्हें नहीं लगा सकते ठीक है ओके अब हम देखते हैं आज का लास्ट टॉपिक यानी कि प्री चार प्री डिटर्मिन होते हैं हमारे पास ठीक है ये आज का लास्ट टॉपिक है हमारा उसके बाद हमारी क्लास हम रैपअप कर देंगे So, बेटा हमारे पास ना चार प्री डिटर्मिन होते हैं कौन कौन से होते हैं मुझे चाहिए कि सारे बच्चे मुझे कमेंट में लिख कर बताए कि कौन कौन से ऐसे हैं जो चार हमारे पास हैं आपकी स्क्रीन पर लिखे हुए हैं मुझे है कितने कि बच्चे मुझे ध्यान से सुन रहे हैं हाँ जी कौन कौन से होते हैं सच वॉट रेदर एंड क्विट अब ये जो वर्ड है ना इन्हें हम जो इनडेफिनेट आर्टिकल पढ़ा है ना हमने उनके आगे लगाते हैं ठीक है तो देख लेते हैं ये वाले वर्ड क्या होते हैं सबसे पहले हम देखेंगे सो सच और व्हाट को ये ना हम कोई भी सरप्राइज दिखाने के लिए या कोई भी हमारे इमोशंस दिखाने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं ठीक है जो सो है सच है व्हाट है इसका मतलब क्या होते रियली really? या वेरी जैसे अगर मैं बोलूं शी इज सो प्रीटी इसका क्या मतलब होगा अगर मैं बोल रही हूं शी इज सो प्रीटी यानी कि शी इज वेरी राइट तो यहां पर यही लिखा है कि सो सच और हम लोग वेरी या रियली दिखाने के लिए लगाते हैं इससे ना हमारा जो वाक्य है वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है ये बॉनवेटा की तरह है जैसे हम बॉनवेटा पीते हैं बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं वैसे ही ये हमारे सेंटेंस के बॉनवेटा है इन्हें लगाते ही हमारे वाक्य में जान आ जाती है हमें लगता है कि भाई किसी चीज पे तो जोर डाला जा रहा है ठीक है ये सेंटेंस को स्ट्रांग बनाते हैं और हमें दिखाते हैं कि किसी हाई लेवल की बात हो रही है जैसे अगर मैं बोलूं कि शी वाज सो ब्यूटीफुल यानी कि शी वाज वेरी ब्यूटीफुल ही रैन सो क्विकली यानी कि भाई वो बहुत तेज भागा फूड वाज सो डिलीशियस खाना बहुत ही ज्यादा टेस्टी था समझ में आया बच्चा पार्टी ठीक है और सच और व्हाट हम लोग नाउन या एडजेक्टिव से पहले लगाते जैसे व्हाट अ लवली डे भाई बड़ा ही प्यारा दिन था शी इज सच अ लवली वुमेन भाई बड़ी प्यारी औरत है, है ना? इनक्रेडिबल फिल्म है तो बेसिकली वॉट सच और सो हम लोग हमारे जब इमोशंस बहुत अप होते हैं तब लगाते हैं किसी चीज को दिखाने के लिए क्लियर एवरी समझ में आया येस और नो ठीक है क्लियर Alright, अब हम हम देख लेते हैं हैं। हैं, हैं? कि हम rather और क्या क्या लगाते ये 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 दोनों ना ठीक है? कर रहे है? ये comment करते हैं यानि कि कोई भी हमें दिखाना दिखाना हो, 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 बाकी के दिखाने हो, तो हम rather और quite का इस्तेमाल करते हैं। जब हमें कमेंट पास करना होता है ना कोई भी तब हम रेदर और क्वाइट का, uh, का सॉरी देखो

ठीक है क्या कर रहे हैं हम किसी चीज पे कॉमेंट कर रहे हैं अब ये लगते कैसे हैं देखो इनके बाद हमेशा, हमेशा आर्टिकल है, है फिर हमारा एडजेक्टिव है और फिर हमारा नाउन है तो हमेशा ये ऐसे ही लगे होंगे जैसे इट वॉज क्वाइट नाइस डे तो क्वाइट है फिर ए लगाए एडजेक्टिव लगाए फिर नाउन लगाए ठीक है तो क्वाइट भाई हम एग्री करते हैं कि आज का दिन काफी अच्छा था हैड बैड एक्सीडेंट अगेन यहाँ पर ए लगा है एडजेक्टिव लगा है फिर हमारा एक्सीडेंट लगा है तो यहाँ पे क्वाइट मतलब कि आई एम वरिड तो ये जो क्वाइट और रेदर है ना ये कॉमेंटिंग वर्ड है ये दिखाते हैं कि हमें कैसा फील हो रहा है किसी भी सिचुएशन को लेकर समझ में आया

यस yes. ये होमवर्क चाहिए मेरे को कमेंट सेक्शन में ठीक है छह क्वेश्चंस हैं इसको ट्राई करना करने का और मुझे आंसर करना इन द कमेंट सेक्शन ठीक है ऑल राइट चलो सो मैं वेट करूंगी आपके कमेंट का अगर किसी को कोई डाउट है वो भी आप कमेंट कर सकते हो ठीक है वरना आप मुझे बताओगे आपको आज की क्लास कैसी लगी और ये छह क्वेश्चंस का आप आंसर करोगे ताकि मुझे पता चल सके भाई कितने ऐसे बच्चे हैं जो जेनुनली कर रहे थे अगर अभी नहीं करना होमवर्क तो कल कर देना बट करना जरूर कमेंट कर देना ठीक है हाँ मैं कमेंट्स देखूंगी सबके ठीक है चलो तो मिलेंगे बेटा हम लोग कल रात को नौ बजे तब तक के लिए आप सभी बच्चे अपना ख्याल रखिए थैंक यू सो मच आई लव यू बाय टेक केयर ऑफ योर